यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरओ एआरओ की आज परीक्षा संपन्न हो गई। पेपर का लेवल कैसा था, क्या वास्तव में पेपर आसान था, कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या पेपर रद्द होगा, जिस प्रकार की चर्चा चल रही है उस पर भी बात होगी, और प्रयागराज के छात्रों का क्या कहना है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर रद्द को लेकर के। तो मैं आपको बता, मीडिया में चर्चाएं पेपर लीक को लेकर के चल रही हैं, लेकिन अगर ये चर्चाएं पेपर के समय जब पेपर हो रहा था उस समय चलती या जब इंटरवल था तब चलती, उसका असर देखने को मिलता। और चूंकि अब पेपर हो चुके हैं, कई घंटे बीत चुके और उसके बाद में ये चर्चाएं चल रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये पेपर रद्द होगा। और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है और लिखा कि सोशल मीडिया सहित अन्य जगहों पर खबरें चल रही हैं कि पहली पाली का पेपर कुछ जिलों में लीक हो गया है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ऐसी कोई भी सूचना जारी नहीं की गई है। अतः उम्मीदवार अफवाहों पर ध्यान न दे और दूसरी पाली की परीक्षा में हिंदी के पेपर, तो ये तो चलिए ठीक है हो। और अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है, कोई कुछ बातें हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर बताएं कि आपके यहाँ पे आपके जिले में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। केवल चर्चाएं नहीं करें, केवल सुनी सुनाई बात न बताएं। जिन विद्यार्थियों को पेपर मिला है या जिन विद्यार्थियों ने ऐसा होते हुए देखा है, केवल वही विद्यार्थी कमेंट करें। फिलहाल कुछ भी हो, आप लोग आप अपनी तैयारी करिए इसके आगे की परीक्षा की। जैसे पीसीएस की परीक्षा होने वाली, वैसे भी उत्तर प्रदेश में जल्दी कुछ होता नहीं है। हम लोगों ने देखा सीटेट में भी क्या हुआ, कुछ नहीं हो पाया। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे छात्रों के इंटरव्यू डाले हैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में और एक लॉन्ग वीडियो में, आपने देखा भी होगा, मैंने लाइव भी चलाया था परीक्षा केंद्र से। विद्यार्थियों का कहना था कि जो पेपर था वो इस बार का आसान था, आराम कर सकता है, हिंदी 60 में 60 भी कर सकता है। आपने जीएस में कितने अटेम्प्ट किए हैं? जीएस में सर मेरे 113 अटेम्प्ट हैं, अब ये कट पिट कर कितना आता है। हिंदी तो सर हिंदी पूरा कर दिए सभी लोग, सभी लोग हिंदी पूरा कर दिए। अच्छा, वो जो जीएस वाला भाग था उसमें क्या कठिन था, क्या सरल था? ठीक ही था, उसमें थोड़े से जो मेडिकल हिस्ट्री के थे बिपिन चंद्रपाल जो अलग से दिया हुआ था, तो इससे मतलब उसके बारे में अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसे मतलब कुल मिला के 80-85-90 तक खूब आराम से लोग कर सकते थे। ओके, तो पिछली बार की परीक्षा थोड़ा सा आसान ही था, आपके कहने का मतलब है? बहुत टफ था 2021 वाले से, वो बहुत टफ था पेपर, बहुत टफ था। हाँ, इस बार जो है बहुत आसान था। इसका मतलब आपको क्या लगता है, कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा ही जाएगी? ये कट ऑफ जो है ज्यादा हो, लेकिन कट ऑफ के हिसाब से सर वो तो आप कट ऑफ एनालाइज करके बता देंगे, पर मेरे हिसाब से जो है इस बार 135 जरूरी है ना? नहीं सर, हम लोग कितना बता देंगे, हम लोगों का गलत हो जाएगा, पर आज जो बताएंगे एकदम इज्जत बता देते हैं उसके। हिंदी का पेपर बिल्कुल आसान है। जीएस का कैसा लगा? जीएस का मॉडरेट था। कितना किया आपने? 107 किए। 107 सही कितना होगा लगभग? 90 के आसपास लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, जीएस में क्या कठिन लगा? वो क्रोनोलॉजिकल जो आया था उसमें रेट है, क्योंकि उसमें कथन एजर्सन का क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा होने की वजह से जो है कि वो थोड़ा सा मॉडरेट माना जाएगा। अच्छा। हिंदी में सर 55 प्लस सही होंगे। 55 प्लस क्या कट ऑफ हो सकती है इस बार? हिंदी में लगभग 58। जीएस में कितना किया है? जीएस में 100 प्लस है। 100। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। सेकंड पेपर बहुत ही अच्छा था, सेकंड पेपर बहुत ही अच्छा था और टफ बिल्कुल नहीं था। फर्स्ट में करंट से लेकर रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन थे, वो थोड़ा हार्ड थे, तो इसी वजह से। अच्छा, जीएस कितना किया आपने? जीएस मैंने 114 किए थे, 114 किए थे, उसमें से ऐसे थे कि 10 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए हैं जहाँ तक मैंने मिलाया, और यही वाला एकदम अच्छा था। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत धन्यवाद। अच्छा था इस बार का जीएस। जीएस में आपने कितने अटेम्प्ट किए? जीएस में 90+ किए हैं। 90+, और सही कितने होंगे? 80 लगभग होंगे। अच्छा अच्छा, हिंदी हिंदी कैसी रही? हिंदी बहुत अच्छी थी। हिंदी अच्छी थी। कितना किया हिंदी में? हिंदी मैंने 60 किया। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि जीएस में कठिन क्या लगा? जी हाँ, था फूड वाले क्वेश्चन टफ थे। अच्छा जी जी, और बाकी भी सही 2-4 क्वेश्चन जो भी थे। अच्छा अच्छा, करंट
करंट भी सही था, करंट भी ठीक था। तो कितना किया है आपने टोटल? मैंने 90 बताया तो 90 जीएस में और हिंदी में पूरा 160 हाँ हिंदी में टोटल 140 आपने बहुत धन्यवाद। तो ये देख रहे थे आप लोग, आज मैंने बहुत सारे छात्रों के इंटरव्यू लिए प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से जो कैमरे में नहीं आना चाहते थे। और मैं जैसे आप लोग देखेंगे कि ज्यादातर विद्यार्थियों का कहना है कि पेपर आसान था। आसान कहने वाले ऐसे विद्यार्थी हैं जो ज्यादातर पहली बार परीक्षा दे रहे थे, उनका कहना था कि पेपर आसान है, लेकिन जब पूछा जा रहा था कि आपने कितने प्रश्न किए हैं, तो जीएस में किसी ने 50 का, किसी ने 70 का, किसी ने 90 अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन जो विद्यार्थी पहले से परीक्षा देते रहे आयोग की लगातार, वो विद्यार्थी बता रहे हैं कि पेपर टफ था। और जहाँ तक मेरा भी मानना है कि हिंदी को अगर हम छोड़ दें तो समान अध्ययन का जो पेपर था वो आसान बिल्कुल भी नहीं था। और आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो छात्र हैं इस बार पहली बार उन्होंने आर ओ आर ओ का पेपर दिया था। आर ओ आर ओ में कभी भी 10.5 लाख आवेदन नहीं हुए हैं और ऐसा पहली बार है। अब आर ओ आर ओ में हमेशा 5 लाख 5.5 लाख के आसपास ही आवेदन होते हैं। और जो नए छात्र हैं तो वास्तव में बहुत अच्छा प्रयास भी है कि पहली बार भी वो लोग 60-70 कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सिलेक्शन के लिए ये नंबर काफ़ी नहीं है। और लेकिन मैं बताऊँ कि पेपर जो समान अध्ययन का था वो टफ माना जाएगा, और जिस प्रकार से पिछली बार का पेपर था उससे कमजोर कतई नहीं था। हिंदी डाउट नो डाउट हिंदी तो वाकई आसान थी, लेकिन समान अध्ययन का जो पेपर था वो कठिन का कहा जाएगा। और विद्यार्थियों ने बताया, बहुत सारे विद्यार्थी जो लगातार मेंस दे रहे हैं, लगातार टाइपिंग कर रहे हैं आर ओ आर ओ की और पी सी एस के मेंस दे रहे हैं, उन ज़्यादातर विद्यार्थियों का यही कहना है कि इसकी जो कट ऑफ है वो 125 से ज़्यादा कतई नहीं जाने जा पाएगी। अभी विद्यार्थी जरूर मिला रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे रोज मिलाएंगे वैसे वैसे विद्यार्थियों के नंबर कम होंगे। अभी घर पहुंचने दीजिए, ये जो विद्यार्थी बता रहे हैं कि 90 सही हमारा, 80 सही हमारा, अभी इनका 70 और 60 पर आएगा। तो जो जनरल की कट ऑफ है, मैक्सिमम कट ऑफ मुझे लगता है कि 125 के आसपास होनी चाहिए। हिंदी के बारे में बता दूं कि हिंदी आसान का मतलब ये नहीं है कि 60 में 60 जैसे विद्यार्थी बोल रहे थे, 55 से ऊपर किसी का भी नहीं होगा, कितना भी अच्छा लड़का हो। जो टॉपर होगा हिंदी के 2-3 क्वेश्चन गूगल नहीं निकाल पा रहा, तो 2-3 क्वेश्चन किसी के भी नहीं सही हो पा रहे, कमेंट में बता दें जितने भी विद्वान हो। तो ये मैक्सिमम है 55, और हिंदी में विद्यार्थी के अगर किसी के 50 सही हैं और 75 अगर किसी विद्यार्थी के समान अध्ययन में सही हैं, तो ये 125 बैठता है ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से। जिसके 125 सही हैं उस वो विद्यार्थी 100% मेंस देगा। और बता दूं कट ऑफ इससे भी कम हो सकती है, मैंने इसमें पेपर लीक वाली बात को नहीं जोड़ा है। मैं स्पष्ट कर दूं, पेपर लीक की बात को मैंने नहीं जोड़ा है बिल्कुल। पेपर लीक वाला मामला हो, क्या है, कितना नहीं कितना है, अभी इसके बारे में पूरी डिटेल्स मेरे पास नहीं है कि वायरल हुआ है नहीं वायरल हुआ है, या कुछ लोगों को मिला है, सिलेक्टेड लोगों को मिला है। तो अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि पेपर लीक वाले, पेपर लीक भी जो होता है ना, तो वो केवल वही विद्यार्थी कर पाते हैं जो थोड़ा सा पढ़े लिखे होते हैं, और जो नॉर्मल विद्यार्थी होते हैं वो पेपर लीक से भी कुछ नहीं कर पाते, वो सब याद ही नहीं कर पाएंगे पूरा पेपर। और पेपर रद्द के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे, भ्रमित बिल्कुल नहीं हो, जो होगा देखा जाएगा। आप लोग केवल आगे की तैयारी करिए, पीसीएस जो आपके 17 मार्च को लगी हुई है आप उसकी तैयारी करिए और मेंस की तैयारी करिए। जिन विद्यार्थियों का 125 के आसपास भी है, अगर एक आध नंबर कम भी है तो भी चलेगा। ये हो गया आज का वीडियो, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।